हेलो एंड नमस्कार फ्रेंड्स, मैं हूं डॉक्टर योगेंद्र और आप देख रहे हैं आपका यूट्यूब चैनल डॉक्टर योगेंद्र बोला एंड हेल्थ टिप्स। दोस्तों, आज हम बात करने वाले हैं एक बहुत ही इंपॉर्टेंट विषय के बारे में और ये विषय है इरेक्टाइल डिसफंक्शन, यानी कि पुरुषों में सेक्स करते समय पेनिस के अंदर लिंग में इरेक्शन ना होना, उसमें टाइटनेस ना होना। दोस्तों, इसके लिए अक्सर दो टैबलेट्स का इस्तेमाल होता है। एक है सिल्डेनाफिल, यानी कि इसको हम वाइग्रा के नाम से भी जानते हैं, सिल्डेनाफिल वाइग्रा, और दूसरा होता है आजकल जो नई टैबलेट आई है वो है टाडालाफिल, यानी कि इसका जो फेमस ब्रांड नेम था सियालिस। तो दोस्तों, अक्सर हमको लोग पूछते हैं कि दोस्त डॉक्टर साहब कौन सी टैबलेट लेनी चाहिए मुझको सिल्डेनाफिल लेनी चाहिए या टाडालाफिल लेनी चाहिए। आज हम आपको इन दोनों का कॉम्पिटिशन होगा, दोनों के बीच में टक्कर होगी कि इसके क्या इफेक्ट से कैसे काम करता है और इसके क्या इफेक्ट से ये कैसे काम करता है और दोनों में कौन सी ज़्यादा बेहतर है। तो आपको भी अंदाजा आ जाएगा कि कौन सी टैबलेट आपको लेनी चाहिए। दोस्तों, ये दोस्तों दोनों टैबलेट काम करती है इरेक्टाइल डिसफंक्शन में, जैसे कि हमने आपको बताया। तो सबसे पहले इनका कॉम्पिटिशन शुरू करते हैं। पहला जो पॉइंट है दोनों के बीच में वो है ऑनसेट ऑफ एक्शन, यानी कि इनका एक्शन कितने जल्दी लेने के बाद शुरू हो जाता है, कितने जल्दी ये टैबलेट अपना असर दिखाने लग जाती है। तो दोस्तों, सिल्डेनाफिल का असर होने में कम से कम 30 मिनट लगते हैं, 30 मिनट्स, और इसका एक्शन को पीक होने में 2 घंटे लगते हैं। तो इसका असर पूरा दिखने में 2 घंटे लग जाते हैं और असर शुरू होने में 30 मिनट। 30 मिनट के ये टैबलेट लेने के 30 मिनट पश्चात इसका असर दिखने लग जाता है। तो यह है सिल्डेनाफिल एक्शन स्टार्ट्स विद इन 30 मिनट्स और इसका पीक एक्शन आने में 2 घंटे लग जाता है। दूसरी तरफ है टाडालाफिल, इसका एक्शन शुरू हो जाता है मात्र 15 से 20 मिनट में। इस टैबलेट को लेने के 15 से 20 मिनट में टाडालाफिल का एक्शन दिखना शुरू हो जाता है। पहला पॉइंट ये था ऑनसेट ऑफ एक्शन। दूसरा इंपॉर्टेंट पॉइंट है ड्यूरेशन ऑफ एक्शन, यानी कि इसका असर, इस टैबलेट का असर आपके शरीर पे कितने देर रहेगा, हाउ मच लॉन्गर, कितने देर रहेगा एक्शन। तो सिल्डेनाफिल का एक्शन रहता है 4 to 6 hours, यानी कि इसका असर आपके शरीर में 4 से 6 घंटे तक ही दिखेगा। और इसके अपोजिट जो नई टैबलेट है टाडालाफिल, इसका एक्शन दोस्तों 36 hours, यानी कि 36 घंटे तक इसका असर आपके शरीर में रहता है। 36 आवर्स तक ये टैबलेट लेने के बाद भी आपको इरेक्टाइल डिसफंक्शन के बारे में सोचने की जरूरत नहीं है, आप अपना सेक्स सेक्सुअल एक्टिविटी कभी भी उस हिसाब से प्लान कर सकते हैं, ये इसका फायदा है। थर्ड इंपॉर्टेंट पॉइंट है साइड इफेक्ट्स। दोस्तों, दोनों ही टैबलेट के साइड इफेक्ट्स हैं, जैसे कि हेडेक, हम सिल्डेनाफिल की बात करते हैं, हेडेक, नेसल कंजेशन और डिसपेप्सिया, सिर में दर्द होना, विजुअल डिस्टर्बेंसेज, आँख में कुछ धुंधला दिखना, नाक बंद हो जाना, ये दोनों ही टैबलेट के अंदर सिल्डेनाफिल के अंदर भी है और ये कुछ साइड इफ़ेक्ट्स टाडालाफिल में भी है। परंतु ये देखा गया है कि जो हेडेक है और नेसल कंजेशन है टाडालाफिल में थोड़े कम दिखते हैं। तो अगर साइड इफ़ेक्ट्स के मामले में देखना है तो साइड इफ़ेक्ट्स दोनों के ही हैं, पर इसके टाडालाफिल के थोड़े से कम है सिल्डेनाफिल के मुकाबले, इस बात का ध्यान रखेंगे आप। अब कीमत, प्राइस, दोनों की प्राइस यानी कि कीमत लगभग एक जैसी है, तो इसके बीच में दोनों में कोई खास विषय में अंतर नहीं, दोनों लगभग एक जैसे ही कॉस्ट पड़ते हैं अपने। अब नेक्स्ट इंपॉर्टेंट पॉइंट है इसको लेना कैसा है, खाने के साथ लेना है, खाने के बिना लेना, कैसे लेना है। तो दोस्तों, सिल्डेनाफिल टैबलेट वर्क्स बेटर ऑन एम्प्टी स्टमक, यानी कि इस टैबलेट को आप खाली पेट लेंगे तो ज़्यादा काम करेगी। अगर आपने खाने के बाद ले लिया, खाने के पश्चात ले लिया, तो इसका असर, इसका इफेक्टिवनेस देखने में थोड़ा सा कम होगा, इस बात का ध्यान रखेंगे। और वही टाडालाफिल ये आप एम्प्टी स्टमक भी ले सकते हैं और खाने के बाद भी ले सकते हैं। बस इस बात का इसमें ध्यान रखना है कि ज़्यादा ऑयली फैटी फूड नहीं खाना, ऑयली फैटी फूड खाएंगे तो इसका असर आपको देखने में थोड़ा कम मिलेगा, ये बात का ध्यान रखेंगे। तो दोस्तों, आज हमने आपको सिल्डेनाफिल और टाडालाफिल दोनों के बारे में जानकारी दी, दोनों का एक कॉम्पिटिशन लगाया और हमारे हिसाब से जो भी एक्सपर्ट्स कहते हैं कि टाडालाफिल एक नया मॉडर्न जनरेशन का इरेक्टाइल डिसफंक्शन का ड्रग है, दोनों का एक्शन एक जैसा ही है, दोनों का काम अच्छा है, दोनों इरेक्टाइल डिसफंक्शन को दूर करेंगे, दोनों जो आपके पेनिस में इरेक्शन नहीं आता उसको ठीक करते हैं,
पेन इसके अंदर ब्लड सर्कुलेशन को बढ़ाते हैं, दोनों का काम करने का तरीका एक ही है, पर इसके यानी कि टाडालाफिल के कुछ अच्छे पॉइंट्स ये हैं कि इसका ऑनसेट ऑफ एक्शन जल्दी है, ड्यूरेशन ऑफ एक्शन थोड़ा लंबा है, 36 घंटे तक काम कर सकता है टैबलेट लेने के बाद। तो आपको कोई सेक्सुअल एक्टिविटी करनी हो पूरे दिन में तो ऐसे प्लान नहीं करना कि अब टैबलेट लेनी अब लेनी है, आप फ्री माइंड रह सकते हैं। और तीसरी बात है, इसके कुछ साइड इफेक्ट्स हैं वो सिल्डेनाफिल के मुकाबले थोड़े कम है दोस्तों। तो दोस्तों आज का विनर है हमारा टाडालाफिल। दोस्तों आज हमने आपको सिल्डेनाफिल और टाडालाफिल के बारे में जानकारी दी, आशा करते हैं ये जानकारी आपकी उपयोगी होगी। इस वीडियो को आप लाइक एंड शेयर ज़रूर कीजिए और जो भी आपके सजेशंस हैं कमेंट बॉक्स में ज़रूर दीजिएगा। मैं डॉक्टर योगेंद्र मिलता हूँ आपको एक नए वीडियो के साथ, तब तक के लिए नमस्कार, जय हिंद।